एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल खान पान और पकवान में। तो अभी सीजन है बहुत ही टेस्टी, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का। तो आज मैं बना लेती हूँ इसका बहुत ही टेस्टी अचार, जिसे आप रख सकते हैं महीनों भर और ये बन जाता है, इंस्टेंटली ये तैयार हो जाता है। एक्चुअली आप इसे चटनी भी कह सकते हैं और ये इंस्टेंटली तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने देखे ले लिए हैं लहसुन, ये है करीब 200 ग्राम, अदरक है 200 ग्राम, हरी मिर्च है 200 ग्राम और ये टमाटर है 2 किलो के करीब, 2 किलो। तो चलिए मैं इसे बताती हूँ क्या करना है। ये जो अदरक है और ये हरी मिर्च है और लहसुन है, इसे एक मिक्सी के जार में डालकर मैं क्या करती हूँ कि हल्का सा उसे पीस लूँगी, मतलब जस्ट 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए। तो इस अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है, हल्का सा दरदरा ही पेस्ट है। और अब टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं ये टेस्टी सा अचार जो आप स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो यहाँ पे कढ़ाई हो गई है गर्म, मैंने 2 कप विनेगर डाला है, ये देखिए इसमें 2 कप विनेगर डाली है और इसे बॉईल होने देते हैं। अब विनेगर गर्म हो चुका है तो इसमें डाल दूंगी मैं ये कटे हुए टमाटर और इसे पकने देना है। फ्लेम बिल्कुल हाई पे रखना है और इस टमाटर को इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया 10 मिनट। 10 मिनट में ये क्या करनी है, इसे बिल्कुल गला देना, बस इसी तरह से एक हाई फ्लेम में डाल दीजिए और टमाटर बिल्कुल गल जाएगा। टमाटर बिल्कुल लाल हो तो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही स्वाद का बनता है। तो ये करीब आधा घंटा हो गया इसको ऐसे पकते हुए, ये देखिए एक बार और चला देती हूँ मैं। अब जो लहसुन, ये अदरक लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देते हैं। एक्चुअली आप इसे कट करके भी डाल सकते हैं। अब इसे इसमें मिक्स कर देते हैं, ये देखिए। और अब फ्लेम को कम कर देते हैं और टमाटर को अच्छे से गल जाने देते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालना है, अच्छे से नमक डालिए, थोड़ा नमक ज़्यादा ही डलता है। ये देखिए अभी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए बिल्कुल तैयार है, एकदम सूख सा गया है। इसे अब मैं बंद कर देती हूँ। अब इसमें डालेंगे तेल, गरम कर रही हूँ मैं एक तड़का पैन। सरसों का तेल आपको डालना है 2 कप सरसों का तेल, 2 बड़े कप सरसों का तेल। तो ये हो चुका है सरसों तेल बिल्कुल गर्म। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और इसके बाद उसमें डाल देंगे। अब देखिए ये गर्म तेल में डाल दे रही हूँ उसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी ये तैयार है। तो अब तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी और ऑफ कोर्स बनाना भी बहुत ही ईजी यह टमाटर की चटनी या कह लीजिए से टमाटर का अचार, जिसकी शेल्फ लाइफ है करीब 1 से 1.5 महीने तक। और इसे आराम से आप इवन ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं, रोटी, चावल, दाल, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।